पहली बार रशिया बन गया है इंडिया के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स का एक हिस्सा। इस फिस्कल ईयर में ट्रेड 3 गुना तक बढ़ गया। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है इंडिया और रशिया की दोस्ती का, वेस्टर्न देशों के प्रेशर के बावजूद। हिस्टोरिकली देखा जाए तो रशिया ने हमेशा ही इंडिया का बहुत साथ दिया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया इंडिया का ट्रेड इतना ज़्यादा बढ़ गया। स्पुतनिक और इंडियन कॉमर्स इंडस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग इस फिस्कल ईयर में ट्रेड 40 बिलियन यूएस डॉलर्स तक हो चुका है। पिछले 10 महीनों में ट्रेड 3 गुना तक बढ़ा है। अगर डेटा को कंपेयर किया जाए तो पिछले साल 13.1 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का ट्रेड हुआ था, जो इस साल बढ़कर 40 बिलियन यूएस डॉलर्स हो चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट रशिया कर रहा है क्रूड ऑयल का, और सिर्फ क्रूड ऑयल की वजह से इतना ज़्यादा सर्ज देखा जा रहा है। 1990s के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया ने इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल रशिया से इम्पोर्ट किया हो, और इसी वजह से वो इंडिया के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में भी शामिल हो गया है। USA और बाकी काफ़ी सारे वेस्टर्न देशों ने इंडिया को प्रेशराइज भी किया रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स कम करने के लिए, जैसे यूरोपियन यूनियन एम्बार्गो और G7 प्राइस कैप। लेकिन इंडिया की स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी की वजह से इस प्रेशर का कोई असर नहीं हुआ, और देखते ही देखते डेली की 1.67 मिलियन बैरल्स इंडिया इम्पोर्ट करने लगा। 2021 में सिर्फ 1% ऑयल रशिया से आता था, और फरवरी 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का 35% क्रूड ऑयल रशिया से आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो रैंकिंग थी हमने 1990s के बाद ट्रैक करना स्टार्ट किया। 1990s के बाद रशिया की जो बेस्ट रैंकिंग थी ट्रेड पार्टनर्स में वो 16th थी, और 1990s के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि रशिया टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स का हिस्सा बन चुका है। इंडिया और रशिया की इस ट्रेड पार्टनरशिप का इम्पैक्ट जियोपॉलिटिकली क्या होगा, और आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर चाहते हो कि एक लॉन्ग वीडियो इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए बनाई जाए, इसके जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट्स को समझाते हुए बनाई जाए, तो कमेंट्स में ये भी मुझे ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इंडिया और यूएसए की जेट इंजन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डील क्या है, इसका इंडिया को क्या फायदा मिलेगा, और ये जेट इंजन्स आखिर यूज कहां होंगे? चाइना के स्पाई बैलून्स एग्जैक्टली स्पाई करते कैसे हैं, और क्या ये इंडिया के अगेंस्ट भी कभी यूज हुए हैं? इंडियन डिफेंस फोर्सेस कैसे हो रही हैं डे बाय डे मॉडर्नाइज? क्या है इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी? ज्वाइन डिफेंस अफेयर्स ऑन अनअकैडमी डिफेंस मेंटर्स। इंडियन डिफेंस से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें, एनालिसिस और जियोपॉलिटिक्स।